नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चारा प्रबंधन और साल भर तक उपलब्धता और साइलेज बनाने व खिलाने की विधि। किसान भाई जानते हैं कि कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग द्वारा मिनी कीट योजना के तहत अधिक पैदावार के लिए चारा उत्पादन में संतुलन कृषि विविधता के साथ विभिन्न चारा फसलों के उन्नत या सत्यापित बीज उपलब्ध कराई जाती है, जो हमारे आसपास हरा चारा पैदा करने वाली ज़मीन है, अगर हम उसमें उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करें तो हम हरे चारे का उत्पादन बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। कम से कम 25-30% तक हरा चारा का पैदावार बढ़ा सकते हैं। NDDV ने डेयरी कोऑपरेटिव को इस तरह के जो उन्नत किस्म के हरे चारे के बीज है वो उपलब्ध कराने में सहायता करती है। दोस्तों, इसके अलावे जो है किसान भाई, गन्ने से चीनी बनाने में जो गन्ने से खुई निकलती है या चीनी निकालने के बाद जो या गन्ने का रस निकालने के बाद जो उसका बच जाता है चिमटा, उसे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ पौधे व सब्जियों के पत्ते सूखे की स्थिति वाले चारे के समय अच्छे से क्रश करके नीम के बीज के खल और सड़े गले खाद्यान्न के दानों पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं के चारे के मुख्य स्रोत हैं धान, गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार और रागी जैसे फसल अवशेष हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुपर नेपियर, बुलेट घास या नेपियर घास आने से इसकी और भी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। इसलिए ये ज़रूरी है कि यूरिया, नमक और मिनरल मिक्सचर मिलाकर और ऊपर से सीरा डालकर पशुओं के पोषण में गुणवत्ता में आप वृद्धि कर सकते हैं और अपना दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यह खिलाने का जो मेथड है उसमें क्या चेंज करना है कि मुनाफा ज़्यादा हो, और फीडिंग जो है आपका बढ़ता चला जाए और उसके हिसाब से कॉस्ट कम लगे और आपका जो है इनकम का स्रोत ज़्यादा होता चला जाए। फैट में सुधार होगा, SNF में सुधार होगा, जानवर पूरी तरह से तंदुरुस्त रहेगा। अगर पूरे साल भर जो खाने के हिसाब से हरा चारा अगर हम पशु को उपलब्ध कराएंगे तो ये मिनिमम आपको कम पैसे में ज़्यादा दूध उत्पादन होगा। दोस्तों, हमारे किसान भाई ये भी जानते हैं कि भूमि की उर्वरता के संतुलन प्रबंधन के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट, दलहन की फसल या हरी खाद को फसल चक्र के रूप में अपनाना चाहिए। दोस्तों, गोबर के खाद की आपूर्ति कम है, इसलिए हरी खाद उसके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ढेंचा और सनई के जड़ों पर पाई जाने वाली गड्ढे वातावरण से नाइट्रोजन को इकट्ठा करती है। ढेंचा में नाइट्रोजन व अन्य प्रचुर मात्रा में तत्व पाए जाते हैं और संचित रहती है, लिहाजा इनकी खाद फसलों के लिए लाभदायक होता है। हरा चारा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे उसकी लागत भी कम आएगी और पशु के शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसका स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। 40% के करीब जो ज़रूरतें हैं वो पशु की वो हरा चारा देने से दूर होती है और लागत भी कम आएगी। रिजका या लूसर्व घास जो होता है मटर परिवार का एक फूल देने वाला पौधा है, जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे की फसलों के रूप में की जाती है। रिजका को पूरे संसार में पशुओं के चारे के रूप में उगाया जाता है और इसकी ज़्यादातर खेती सूखी घास के रूप में होती है, लेकिन मुख्य रूप से इसका
प्रयोग दूध देने वाले पशुओं के चारे के रूप में होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसके पचाने वाले रेशे अधिक होते हैं। इसका इस्तेमाल चारे के रूप में किया जाता है। रिजका खरीफ में अगर चारा चाहिए तो 3 उन्नत प्रजाति है, वो भी बुआई किया जाता है। इसलिए यह पूरा यर्स राउंड सालों भर चारा, रिजका को बरसीम घास भी बोला जाता है। ये बरसीम घास आप सालों भर उगा सकते हैं। खेत से अगली फसल लेना जरूरी है। किसान भाई अधिक से अधिक उपज देने वाली प्रजाति का विकास कर उच्च पोषक तथा समय समय पर तैयार होने वाले फसल चक्र को अपनाएं, जैसे संकर नेपियर घास के साथ गर्मियों में लुबिया और सर्दियों में बरसीम घास या रिजका लगाएं तथा गर्मियों में मक्का तथा लुबिया लगाएं। खरीफ में ज्वार और लुबिया और फिर रबी के बरसीम घास लगाएं के साथ जई चाइनीज घास कैबेज मिश्रित फसलों को बोएं, और चारे वाली फसलों का कृषि का क्षेत्र बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन अधिक चारे की उपज देने वाली किस्म को तथा बहुवर्षीय चारे को कम क्षेत्र में खेती करके चारे के कमी को समय चारे का संरक्षण कर पशुओं को इससे उपलब्ध करा सकते हैं। पहले तो आपका साइलेज 45 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। अगर आपको ज़रूरत है तो 45 दिन के बाद खोल के खिलाई जा सकती है। गर्मियों में जो इसका जो किस्म है वो जो है बढ़ा सकते हैं, जैसे आप साइलेज है, सुपर नेपियर है, इन सब का जो उत्पादन है आप इनको जो है खिला सकते हैं, जो सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। साइलेज एक बहु उन्नत किस्म का हॉलैंड का घास है जो पूरा भारत में अभी प्रचलित है। इसमें प्रोटीन के मात्रा 19% है और जो है शुगर का मात्रा कम से कम लग रहा है 25% है। तो आप जो है इन जो है अच्छे चारे को खिला करके पशुओं के चारे की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। साइलेज खिलाना चाहिए। साइलेज एक बार खोलने के बाद एक जानवर को प्रतिदिन 10 से 15 किलो हम साइलेज खिला सकते हैं। जब चारा अधिक होता है तब साइलेज के रूप में संरक्षण कर पशुपालन में अधिक लाभ लिया जा सकता है। किसान भाई ध्यान रहे कि चारे की हमेशा कुट्टी काटकर पशुओं को खिलाएं तथा दें। घास के साथ सूखी घास व दाना मिलाकर ही पशुओं को खिलाएं, जिससे एक संतुलित आहार उत्पन्न हो जाता है। थैंक यू। धन्यवाद।